लुधियाना पुलिस ने जिले के अंतर्गत पड़ते डेलों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह को दर्द बोचा है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को काबू किया है, वहीं 2 आरोपी भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस ने इनके पास से वारदातों को अंजाम देने में इस्तेमाल किए जाने वाला एक ऑटो, एक मोटरसाइकिल के अलावा कई जानलेवा हथियार भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही लूटे हुए 30 मोबाइल, एक सोने की चैन भी बरामद की है। जो हामड़ा में पकड़े हैं हमने, वो 4 लोग हैं जो वहाँ चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, और जनरली ये प्रवासी मजदूर जो हैं उनके यहाँ से मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि उनके जनरली गेट खुले होते हैं तो वहाँ चार्जर में मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है, वो चोरी कर लिया। घर के अंदर गए और कोई सामान पड़ा है वो चोरी कर लिया, कुछ गैस सिलेंडर्स, कुछ UPS, कुछ स्पीकर्स वगैरह, ये लोग ये चोरी करते हैं। आगे जो है एक लड़का इन्होंने रखा हुआ है जो बाकी लेबरर्स को मोबाइल फ़ोन रीसेल कर देता है। जनरली ये हामड़ा और हामड़ा के आसपास के एरिया में चोरी कर रहे हैं, बाकी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इधर इधर शहर का भी कोई इनसे टोटल हमने अभी तक 19 मोबाइल फ़ोन, एक LCD स्पीकर वगैरह ये रिकवर किया, हाँ गैस सिलेंडर वगैरह। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने बताया कि लुधियाना के हामड़ा और लाडोवाल के इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह ने इन इलाकों में उत्पात मचाया हुआ था। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए हुए 19 मोबाइल, एक LCD, एक कंप्यूटर, एक UPS, गैस सिलेंडर और एक म्यूजिक सिस्टम बरामद किया है। लुधियाना से जागृति लहर के लिए रजिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।